जब हम और आप सुबह की गहरी नींद में होते हैं, शहर में कोई है जो हम सब के लिए जाग जाता है। जी हाँ, वो है दिल्ली मेट्रो के डेपो में खड़ी ट्रेनें। पिछले 18 वर्षों से मेट्रो ट्रेन की ऑपरेटर रोजाना सुबह सुबह एक तय समय पर डेपो कंट्रोल सेंटर में आकर लॉगिन करते हैं, ब्रेथ एनालाइजर की प्रक्रिया से गुजरते हैं और फिर उन्हें मेट्रो ट्रेन का चार्ज दिया जाता है। डेपो के स्टेबलिंग या इंस्पेक्शन बे में खड़ी ट्रेन तक पहुंचकर ट्रेन ऑपरेटर करीब आधे घंटे में ट्रेन की फिटनेस चेक करते हैं और तब जाकर मेट्रो ट्रेनें यात्री सेवाओं के लिए डेपो से बाहर निकलती हैं। दिल्ली मेट्रो की मैजेंटा लाइन पर 18 वर्षों से चली आ रही ये प्रक्रिया अब पूरी तरह बदल चुकी है। अब ट्रेन ड्राइवर को जल्द सुबह, देर रात और ऑफ पीक आवर्स में ट्रेनों को डेपो से रोजाना उन्हें निकालने, ले जाने एवं टेस्टिंग करने वाली एक्टिविटीज से फ्रीडम मिल गई है। जी हाँ, दिल्ली मेट्रो अब पूरी तरह से ऑटोमेटेड ट्रेन परिचालन यानी ड्राइवर लेस मेट्रो परिचालन की उपलब्धि हासिल करने वाली दुनिया की चुनिंदा मेट्रोज में शामिल हो चुकी है। आने वाले कुछ महीनों में ये ड्राइवरलेस मेट्रो सेवाएं मजलिस पार्क शिव विहार पिंक लाइन पर भी शुरू कर दी जाएंगी। मेट्रो ट्रेनों को ऑटोमेटेड परिचालन मोड में लाने की प्रक्रिया उनके प्लेटफॉर्म पर आने से पहले ही शुरू हो जाती है। इन ट्रेनों का वेकअप टाइम टेबल रात में ही ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर यानी ओसीसी में तैयार कर सिग्नलिंग सिस्टम में फीड कर दिया जाता है, जिसके आधार पर हर ट्रेन अपने निर्धारित समय से 30 मिनट पहले स्वयं ही जाग जाती है यानी उसमें पावर ऑन हो जाती है। वेकअप कॉल के प्राप्त होते ही ट्रेनों की ऑटोमेटेड प्रणाली सक्रिय हो जाती है और बारीकी से सभी सिस्टमों का स्वयं ही परीक्षण करती है, जैसे कि लाइट्स, ब्रेक्स, एयर कंडीशनिंग, दरवाजे, ट्रेन रेडियो, ऑडियो वीडियो सिस्टम, बैटरीज इत्यादि। ये पूरी प्रक्रिया बिना किसी ट्रेन ऑपरेटर के ये ट्रेनें अब सिर्फ 10 मिनट में पूरी कर लेती हैं। टेस्टिंग पूरी होते ही ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर के सिस्टम पर ये पीला रंग संकेत करता है कि ये ट्रेनें यात्री सेवा शुरू करने के लिए फिट हैं और अपने टाइम टेबल के अनुसार मेन लाइन पर जाने को तैयार हैं। अपनी यात्रा के दौरान ये ट्रेनें ऑटोमेटेड मोड में निर्धारित स्थान पर रुकती और चलती हैं। यही नहीं, यात्रियों के उतरने चढ़ने के लिए दरवाजे भी खुद ब खुद खुलते और बंद होते हैं। ये ट्रेनें जरूरत पड़ने पर मात्र 90 सेकंड्स के अंतराल पर भी यात्री सेवा प्रदान करने में सक्षम हैं। यात्री सेवाओं के दौरान ओसीसी से इन ट्रेनों की सीसीटीवी के द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जाती है। तकनीकी रूप से एडवांस्ड इन ट्रेनों में अब ह्यूमन एरर की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है, फिर भी यात्रियों की जरूरत या शंका के समाधान के लिए ट्रेन ऑपरेटर बतौर सहायक ट्रेन में मौजूद रहेगा। ये फुली ऑटोमेटेड ट्रेनें दिन भर बिना रुके, बिना थके, निरंतर सेवाओं के बाद स्वयं ही बिना किसी बाधा के डेपो की ओर विश्राम के लिए रवाना हो जाती हैं। ये अत्याधुनिक चालक रहित ट्रेनें अपनी सेवाओं से न केवल दिल्ली मेट्रो के यात्रियों को पहले से अधिक सुरक्षित, नियमित एवं निर्बाध यात्रा का अनुभव करा रही हैं, बल्कि देश में यात्रा के एक नए युग की शुरुआत भी कर चुकी हैं।